तो गाइस आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ होंडा एविएटर की मॉडिफिकेशन प्लस रिस्टोरेशन किया जाएगा। इंजन का काम इसमें ऑलरेडी हो चुका है और गाइस आप कंडीशन देख सकते हो इसकी, और फाइनल होने के बाद आपको दिखाई दूंगा। गाइस आप देख सकते हो पूरा जंग लगा हुआ है, कंडीशन आप देख सकते हो, ये देख सकते हो गाइस, देख सकते हो इसकी। अभी इसके अलॉय व्हील पेंट किए जाएंगे, अलॉय व्हील इसको पेंट हो चुके हैं, इसको आप देख सकते हो, इसका हटाते हैं एक बार पेपर और फिर आपको दिखाते हैं। ब्लैक और व्हाइट का जो कॉन्सेप्ट था वो ये दोस्तों गाइस। व्हाट्स अप पीपल, दिस इज शिवाजी राव। क्यों हिला डाला ना, राजू नाम है इनका, समझ गए। तो आज जिसकी मॉडिफिकेशन दिखाने वाला हूँ, इसकी थोड़ी सी वीडियो आपने शुरू में देख ली होगी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो गाइस फाइनली मैं ले आया हूँ होंडा एविएटर पर रिस्टोरेशन प्लस मॉडिफिकेशन की वीडियो, तो शुरू करते हैं वीडियो को। बाकी एक बार बात कराता हूँ मैं, जानते हो ना राजू भाई नाम है इनका। तो राजू भाई ये जो आज आपने एविएटर तैयार करी है, जो आज काफ़ी लोगों के हमारे कमेंट भी आ रहे थे भैया कि यार आप एविएटर पर चला रहे हो, तो वीडियो तो बन चुकी थी लेकिन क्या था थोड़ा बिजी रहते हैं, थोड़ा बहुत काम होता तो उस केस में थोड़ा सा लेट हो गया। तो बताओ इसमें क्या कराएं और आगे क्या करने वाले हो। एविएटर तो हमने फुल रेडी कर दी है, जैसे कि आपने देखेंगे वीडियो जो आगे आपको दिखाई जाएगी। इसके ये जो आई थी रिक्शे में लोड होकर, ठीक है जी, शाहदरा से गाड़ी उठा के लाए थे करोल बाग, ठीक है जी। अगर वो किसी को उठवानी भी हो ना कहीं से तो हम उठवा भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोल देना क्योंकि राजू नाम है मेरा, ध्यान रखना। यार ये बंदा चुप रहा है अपने पीछे, किसके जरा इस बंदे को मिलो भाई साहब। ये हमारे शाकाल यही है वो शख्स, और देखो इस शख्स को, इस शख्स सारी मॉडिफिकेशन की जितनी भी काम होते हैं ना वो यही बंदा, यही करे भाई अपना। और ये ऐसा है मना ना करता कुछ भी, सब हो जाओगा जैसा राजू कह रहा है ना, हो जाओगा। ऐसे ही है दिलशाद ना भाई का। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बाकी डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है। बाकी बता भी दो नंबर अपना बढ़िया वाला, व्हाट्सएप नंबर बताओ। व्हाट्सएप नंबर 9911529266 राजू भाई का व्हाट्सएप। टाइम बता दो भाई कब तक करना है, कितने बजे से क्या। व्हाट्सएप तो आप जब मर्जी कर सकते हैं, व्हाट्सएप को वो नहीं है, बट कॉलिंग जो है वो कॉलिंग वाला तो मैंने बताया रखा है कि आप सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को 10 बजे तक मुझे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है जी। और आप सभी भाइयों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करी जा रही है कि कृपया स्कैमर से हमेशा सावधान रहें। हमेशा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो ज़रूरी होता है, अगर मैं नहीं बोलूँगा तो आप लोग जो काम कराना चाहते हैं वो काम आपका प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, प्लस रेटों को भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। कल को कंप्लेंट करें कि हम आए थे आपके पास, क्योंकि अभी कंप्लेंट्स आती रहती है हमारे पास, क्या आए तो आपके पास थे बट आपकी शॉप मिली नहीं, क्यों लोकेशन पे पहुंच नहीं पाता बंदा, इधर उधर पहुंच जाता है और जिसने आवाज़ मार ली बंदा सोच चले यार आए तो करा ही लूँ, कराने से आपको ही नुकसान है, हमें नहीं कोई दिक्कत। अगर आपको वीडियो ना मिले ना, अगर आपको वीडियो में लोकेशन मतलब सॉरी डिस्क्रिप्शन में लोकेशन ना मिले तो एक बार आप वीडियो को लास्ट में देखना, हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है 3-4 मिनट की जिसमें पूरा लोकेशन है लाइव, उसको फॉलो करके आप इसलिए आ सकते हो यहाँ। और बाकी आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कर देते हैं तो मैं आपको करंट लोकेशन भी सेंड कर देता हूँ, ठीक है सर। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। ओके तो गाइस आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ होंडा एविएटर की मॉडिफिकेशन प्लस रिस्टोरेशन। और गाइस को फुल रिस्टोर करने का मतलब ये है कि इसके एक एक पार्ट का काम किया जाएगा, इंजन का काम इसमें ऑलरेडी हो चुका है, अब बारी है इसके अपर पार्ट की, यानी कि इसके जो बॉडी होगी इस तरीके से इसको इंस्टॉलेशन करेंगे, इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे और इसको करेंगे फुल रैपिंग करेंगे इसको फुल बॉडी, और जो भी कॉन्सेप्ट लिया जाएगा वो सेम टू सेम लिया जाएगा ताकि जिसमें चलान के इशू ना हो और आपको लगेगा कि बिल्कुल ही न्यूली स्कूटी ला के खड़ी कर दी है। बाकी अपने भाई लास्ट वीडियो देखोगे टीवीएस जुपिटर की, फुल उसी तरीके का इसमें वर्क किया जाएगा, ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है आप देख सकते हो। और गाइस आप कंडीशन देख सकते हो इसकी, ये पहले मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि बिफोर एंड आफ्टर आपको आइडिया हो सके कि पहले कैसी थी, और फाइनल होने के बाद आपको दिखाई दूंगा। गाइस ये आप देख सकते हो इसके एक पार्ट्स ऑलमोस्ट ख़राब हैं, ये देख सकते हो आप जिस तरीके से बैक लाइट पूरी ख़त्म है, साइलेंसर भी आप देख सकते हो पूरा जंग लगा हुआ है, और फ्रंट से भी आप देख सकते हो कंडीशन इसकी, ये देख सकते हो गाइस मडगार्ड वगैरह इसके, अलॉय व्हील्स टायर्स ऑलमोस्ट सब कुछ ख़राब हो चुके हैं ये आप देख सकते हो। तो गाइस के जो ओल्ड पार्ट थे वो सब निकाल दिए, कंडीशन आप देख सकते हो, ये देख सकते हो गाइस इसकी सीट है, ये इसके साइड पैनल है जिसमें इंडिकेटर लगा हुआ होता है, आप इस तो कंडीशन देख सकते हो इसकी। और अब इस तरीके से सारे पार्ट हटाकर और उनको करेंगे नया इंस्टॉल, नए पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं आप देख सकते हो ये बिल्कुल। तो पहला प्रोसेस गाइस इसको खोलने का है, और साथ ही में गाइस इसमें जो रैपिंग का काम था वो शुरू हो चुका है ये आप देख सकते हो।
गाइस अभी तक जो आपने एविएटर की हालत देखी थी उसमें हमने आपको दिखाया उसकी कंडीशन, उसके पुराने पार्ट्स, और अब आप देख सकते हो इसमें 90% काम फिनिश हो चुका है। इसमें रैपिंग कर दी गई है, इसमें न्यू पार्ट इंस्टॉल कर दिए गए हैं, बट इसके जो अलॉय व्हील्स थे वो आप देख सकते हो इसमें खुले हुए हैं, क्योंकि इसमें अभी ना अलॉय व्हील्स को हम करेंगे ब्लैक और वाइट, क्योंकि ब्लैक और वाइट का कॉन्सेप्ट लिया गया तो उसी कॉन्सेप्ट पे इसको भी हम लेने वाले हैं। और सीट भी इसकी हो चुकी है कंप्लीट। इसके अलावा काफ़ी सारे एक्सेसरीज और भी हैं, वो मैं दिखाऊंगा बाद में, पहले देख लो इसकी सीट। ये देख सकते हो पूरी जो स्कूटी का कॉन्सेप्ट लिया गया वो लिया गया है ब्लैक और वाइट, तो उसी हिसाब से ये भी है, और लुक तो एक नंबर का ही गया है। तो अब इसके जो है अलॉय व्हील को भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर आपको दिखाऊंगा फाइनल पे। तो गाइस जो एविएटर के पार्ट्स थे मैंने आपको दिखाए थे, नए और पुराने दोनों दिखाए थे, तो वो हटा के पुराने वाले और नए जो पार्ट इंस्टॉल किए हैं वो कुछ इस तरीके से किए हैं। आप देख सकते हो कुछ पार्ट्स पर पेंट किया गया है, कुछ पार्ट्स पर रैपिंग की गई है, और इसको वॉश करा के जस्ट अभी लेकर ही आए हैं। अभी इसमें जो है करीब 90% काम हो चुका है गाइस, आप देख सकते हो। अदरवाइज अभी इसके अलॉय व्हील पेंट किए जाएंगे, इसमें आधा हिस्सा रहेगा वाइट और आधा हिस्सा रहेगा ब्लैक, क्योंकि वाइट और ब्लैक का कॉन्सेप्ट लिया गया है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी किया जाएगा। इसके अलावा इसमें क्रूजर सीट इंस्टॉल की जाएगी, जो कि आपने हमारी वर्कमैन और एंटॉर्क में देखी थी। इसके अलावा इसमें आप देखते हो वाइट कलर की रैपिंग की गई है, और ब्लैक मैट में जो आपको लिया गया फिनिशिंग रैपिंग की, ये कुछ इस तरीके का लुक प्रोवाइड करती है गाइस। इसके अलावा इसमें LED मिरर इंस्टॉल किए हैं, जिसमें डबल साइड आपको इंडिकेटर का साइन मिल जाता है, ये देखो। तो अब जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा वो रहेगा अलॉय व्हील को पेंट करने का, और उसके बाद सीट का, और फिर मैं दिखाऊंगा आपको फाइनल पे। तो इसको भी कर लेते हैं फाइनल और फिर आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। जो इसके एविएटर के जो अलॉय व्हील्स थे वो पेंट हो चुके हैं, इसको हाफ कर दिया वाइट और हाफ कर दिया ब्लैक। अब आप देख सकते हो इसका हम हटाते हैं एक बार पेपर और फिर आपको दिखाते हैं इसका लुक कि कैसा लुक आया है। वो टेप बैठाओ उस तरफ से, बैठाओ हाँ, ये टेप इस तरफ दिखा के दो। ये देख सकते हो गाइस ब्लैक और वाइट का जो कॉन्सेप्ट था वो जो है अलॉय व्हील पर भी अप्लाई किया गया है। ये आप दूर से कुछ इस तरीके का है, ये देख सकते हो, पलट करो। तो ये तो हो गया एक पीस गाइस यहाँ पर है, इसको भी हटा देते हैं, इसका भी दिखाते हैं लुक आपको। बाकी इंस्टॉलेशन के बाद अलग ही लुक आने वाला है, क्योंकि जो पूरा स्कूटी था वो लिया गया है वाइट और ब्लैक का, और वही सेम कॉन्सेप्ट लिया गया है इसमें अलॉय व्हील्स पर। इसके अलावा गाइस आप कोई और कलर का भी करा सकते हो, या अगर आपके पास कोई और डिज़ाइन है या आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट है तो उस तरीके का भी आप अप्लाई कर सकते हो गाइस। अदरवाइज जो लुक आया वो आप देख सकते हो भाई, मुझे तो बहुत ही बेहतरीन लगा। ये देखो जी, दोनों रख दो नीचे, ये देख सकते हो गाइस। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है एविएटर की गाइस, आप देख सकते हो। बीच बीच में ज़्यादातर मैं आपको वीडियो इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बहुत ज़्यादा लंबा। तो गाइस जो नए पार्ट्स थे, जो पुराने पार्ट्स थे, मैंने आपको दिखाया जिस तरीके से कुछ जगह पेंट किया गया है, कुछ जगह इसमें रैपिंग की गई है, जो कि मैट ब्लैक और वाइट का कॉन्सेप्ट पूरी स्कूटी में लिया गया है। और इसमें रैपिंग के साथ साथ में कुछ डिज़ाइन भी दिया गया। अगर हेडलाइट्स में आपको दिखाऊं तो हेडलाइट में आपको यहाँ देखने को मिलेगा मैट ब्लैक रैप, प्लस कटिंग कर दी गई हेडलाइट की, जिससे कि एक लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और गाइस इंडिकेटर पर यहाँ पर लगाया है स्मोक ग्रे, जिससे कि इसका काफ़ी बेहतरीन सा लुक आ गया। बीच में यहाँ पर कटिंग कर दी गई है ताकि इंडिकेटर पर जो फोकस था वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आए, इस तरफ से भी आप देख सकते हो और इस तरफ से भी। और ये वाले पैनल को कर दिया वाइट, जो कि बहुत बेहतरीन सा लग रहा है, और ये वाला कर दिया मैट ब्लैक। मड गार्ड पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर साइड में वाइट की थोड़ी सी ब्रांडिंग दे दी गई है, और यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं HJG की ओरिजिनल मिड ड्राइव फॉग लैंप्स। ये आप देख सकते हो, इसका फोकस मैं आगे वीडियो में आपको दिखा दूंगा। ये फुल्ली मेटल में है, और ये इसकी एडजस्ट करके फोकस इसका फिर इसको कर देंगे टाइट। और गाइस सीट के बारे में बताऊंगा मैं अभी आपको, बट उससे पहले मैं आपको रैपिंग दिखा दूं, क्योंकि रैपिंग की बात चल रही है। तो देखो यहाँ पर भी डिज़ाइन दिया गया वाइट का, यहाँ पर भी मैट फिनिश दी गई है, आप देख सकते हो। वहीं स्मोक ग्रे जो है इंडिकेटर को कर दिया गया फ्रंट के एंड बैक के, आप देख सकते हो। यहाँ पर कटिंग भी कर दी गई है, जो अभी इग्निशन ऑन करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर साइलेंसर पे कवर लगा दिया गया है, जो कि फुल्ली स्टील का है, जिससे क्या होगा कि जो प्लास्टिक वगैरह के ज़्यादातर लगे होते हैं तो वो टूट जाते हैं, बट ये टूटेगा नहीं, और काफ़ी ज़्यादा लुक भी इसका एनहेंस हो जाता है। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक आता है। फुटरेस्ट भी यहाँ पर ब्रांड न्यू लगे गए हैं, ये आप देख सकते हो। मैट को भी लगाया गया गाइस। इसके अलावा यहाँ पर चार्जर इंस्टॉल किया गया है, ये आप देख सकते हो। इससे यहाँ पर आप चार्जर पोर्ट दे दिया है, अब अपना USB केबल लगा के आप इसको चार्ज कर सकते हो फ़ोन को। और गाइस जो फॉग लैंप्स दिखाए थे उसके लिए है मेटल का स्विच इंस्टॉल किया गया, जो कि 2-in-1 लाइट और 2-in-1 स्विच। और अगर फोकस मैं इसका दिखाऊँ आपको तो गाइस ये येलो का है। अभी इसका फोकस सेट नहीं किया गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे आप करके रोड के हिसाब से इसको कर सकते हो। और गाइस ये वाइट का है, वाइट पे थोड़ा दूर जाता है, येलो पे थोड़ा पास आता है। और ये येलो डार्क येलो है, फॉग के समय में बड़ा बेहतरीन सा काम करता है, ये देख सकते हो आप। और फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक आएगा, आप देख सकते हो गाइस। और गाइस इसके अंदर सिमटेक का हैजार्ड सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, जिसमें आपको 40 से 50 पैटर्न मिल जाते हैं। और पैटर्न आप देख सकते हो इसके चेंज हो रहे हैं, ये देख सकते हो। और अब बात करेंगे LED मिरर की, यानी कि इसमें दो साइड इंडिकेटर के साइन देखने को मिल जाते हैं, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, ये आप देख सकते हो। इस तरफ का गाइस आपने देखा, आप इस तरफ से भी आप देख सकते हो।
और सेम आगे से भी इसमें इंडिकेटर की, और गाइस इस तरफ से भी आप देख सकते हो, यानी कि दूर से कुछ इस तरीके का लुक आपको मिलने वाला है। इसके अलावा गाइस अभी देख सकते हो मार्केट में लाइटें वगैरह बहुत ज़्यादा जल रही है, स्ट्रीट लाइटें, अदरवाइज अगर आप प्रॉपर अंधेरे में जाओगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका फोकस होने वाला है। और गाइस ये वाले हैंड गार्ड आप देख सकते हो जो कि येल्लो की फोकस इंडिकेटर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ये देख सकते हो गाइस ये दोनों साइड से है, इस साइड से भी है और इस साइड से भी, दूर से कुछ इस तरीके का फोकस मिलेगा। और अभी थोड़ा बहुत काम फिनिशिंग का रह गया इसमें, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें फुटरेस्ट इंस्टॉल किए जा रहे हैं, तो वो अभी प्रोग्रेस चालू है, अदरवाइज़ बाकी की चीज़ें मैं आपको दिखाई रहा हूँ। और जो मैंने आपको बताया था जो स्मोक ग्रे इसमें रैपिंग की गई थी उसमें कुछ इस तरीके का लुक आता है इंडिकेटर पर। ये देख सकते हो पीछे से भी एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो फ्रंट का हो गया इसका, और बैक साइड से गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इसमें लुक आता है। इसके अलावा इसके फुटरेस्ट को भी ब्लैक किया गया, और जिस तरह से वाइट और ब्लैक का कॉन्सेप्ट लिया गया वहीं इसके अलॉय व्हील्स में जो मैंने आपको दिखाए थे वीडियो के शुरू में, तो वो भी कुछ इस तरीके का लुक इसको दे रहे हैं। पीछे का आपने देखा, आगे से भी आप देख सकते हो, और इस तरफ से कुछ इस तरीके का लुक इसमें आ रहा है। अभी रात का समय है, दिन के समय में अलग ही लुक आने वाला है। इसके अलावा गाइस इसमें हैंड ग्रिप इंस्टॉल की गई है जो बहुत, और गाइस जो हैंड ग्रिप है ये बहुत ही कंफर्टेबल है, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो एक अलग ही लेवल का लुक आने वाला है। गर्मी में पसीना वगैरह जो हाथ पे आता है तो उस केस में भी ये काफ़ी कारगर है, तो ये भी एक चीज़ है, और ये भी ब्लैक के साथ में बहुत ज़बरदस्त मैच कर रही है। और इसके बैक रेस्ट को भी कर दिया गया है वाइट। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी सीट, जो कि वो भी वाइट और ब्लैक के कॉन्सेप्ट पे ली गई है, जो कि एक बिल्कुल ही यूनिक इफेक्ट आ रहा है इस पर इंस्टॉलेशन के बाद। फुल्ली कंफर्टेबल है, यहाँ पर छोटा सा आपको बैक रेस्ट मिल जाता है, भाई कंफर्टेबिलिटी बहुत है, क्योंकि मैंने अभी इसको थोड़ा सा राइड किया था चला के, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एविएटर हो, आपके पास एंटर्क हो, एक्सेस हो, एक्टिवा हो, वर्कमैन हो, या किसी भी कंपनी की कोई भी स्कूटी हो, कोई भी बाइक हो, टू व्हीलर्स किसी की भी सीट आप इस तरीके की करवा सकते हो, कलर जैसा चाहो वैसा आप करवा सकते हो। या मैंने आपको बताया था कि आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट है या किसी और तरीके की आप सीट डिजाइन कराना चाहते हो तो वो भी आप करा सकते हो। ये थी कुछ मॉडिफिकेशन और एक्सेसरीज़ आपकी होंडा एविएटर की, आई होप आपको पसंद आई होगी। हम आपको दिखाते हैं कि अगर इस तरीके की मॉडिफिकेशन आप कराते हो तो बैठने के बाद कैसा लुक आता है, तो इसको ट्राई करेगा समीर हमारा, और थोड़ा सा एक छोटा सा राइड इसको लेगा चला के, जिससे कि पता चलेगा कि दूर से कैसा फोकस आता है और कैसी इसमें बैठने के बाद लुक आता है। ये देख सकते हो छोटा चक्कर मार लो तो देखो दूर से भी एक अलग ही चीज़ पता चल जाती है। देखो वो येलो कलर का जो फॉग लैंप्स थे इंस्टॉल कर रखे थे वो भी साफ दिख रहे हैं। ये देखो ये देखो गाइस फुली नोटिसेबल चीज़।